हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ जैसे नॉलेज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक फ़ोन के बारे में। मैंने फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन मंगवाया है जो है लावा का Z61 Pro, जो ये इंडिया में बना हुआ फ़ोन है। अब आपको पता होगा कि ज़्यादातर अब इंडिया में फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें कि ये लावा भी एक कंपनी है जो इंडिया में फ़ोन बनाती है, इंडिया की कंपनी है। मैंने इसीलिए इस फ़ोन को मंगाया क्योंकि ये है इंडिया में बना हुआ फ़ोन। चलिए तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। उससे पहले मैं थोड़ी इसका व्यू दिखा देता हूँ कि वो बॉक्स कैसा है। तो देखिए, ये बॉक्स मेरे पास आ चुका है, जैसा कि आप इसे देख सकते हो। मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, जैसा कि आप इसे देख सकते हो। तो ये है फ्लिपकार्ट से आया हुआ बॉक्स, जिसे आप देख सकते हैं। इसका बिल ऊपर चारों तरफ से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, ऐसे बीच से काटते हैं इसको, जल्दी जल्दी से इसको कट कर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसा कि मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया है, अब इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर कैसा फ़ोन निकलता है, क्या है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। तो ये इसके बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स निकला है छोटा सा, इसको भी ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये लावा का Z61 Pro मोबाइल का बॉक्स अब हमारे हाथ में आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे से या पीछे से देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। 2 GB रैम है, 16 GB रोम है इसकी। अब इसको ओपन करते हैं, इससे पैकिंग को हटाते हैं। आने के बाद अब ये निकल के आ रहा है हमारा लावा Z61 Pro मोबाइल। जैसा कि देख सकते हैं कि ये मोबाइल 5-5.5 हज़ार की रेंज में बहुत अच्छा है, और जो कि इंडिया में बना हुआ अपना फ़ोन है, मेड इन इंडिया फ़ोन है। अब इस पेपर को हटाते हैं और देखते हैं कि स्लिपी में कैसा दिखता है। ये है लावा की ब्रांडिंग। तो डुअल कैमरा, एक फ्लैश लाइट, एक स्पीकर इसके अंदर दिया हुआ है। ये इसकी डाटा केबल, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है इसका अडेप्टर, इसके अंदर रिमूवेबल बैटरी दी हुई है, जैसे कि अगर मैं इसको लगा के दिखाऊंगा। ये भी रैपर में है, इसको हटा के इसको फ़ोन पर लगाते हैं और फ़ोन को ऑन करते हैं। अब करते हैं इसको ऑन। फ़ोन अब ऑन हो चुका है, थोड़ा समय लगेगा, अब ये फ़ोन चालू हो जाएगा। जैसा कि ये ऑन हो चुका है, लावा की ब्रांडिंग आ चुकी है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। अब ये फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि इसमें लिखा है हेलो। आप इसको स्किप करते हैं सब फंक्शन को और फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। फ़ोन ऑन हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। लुकिंग वाइज फ़ोन बहुत अच्छा है, MI दिया हुआ है। ये इसका कैमरा की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, साफ कैमरा है, अच्छा कैमरा दिया हुआ है 5-5.5 हज़ार की रेंज में। ये है लावा 61 Pro, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। आपने अनबॉक्सिंग देख ली होगी, अब इसके बारे में बताता हूँ। ये है 2 GB और 16 GB में, यानी कि 2 GB रैम इसकी और 16 GB इसकी रोम है। ये फ़ोन लगभग 5700 रुपये का फ़ोन है, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग देखी होगी। ये एक मिड रेंज फ़ोन है जो इस कीमत में बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। मैंने थोड़ा वो चला के देखा है, इसमें भी ये चलाने में भी ये बहुत अच्छा है। तो बस इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। और हमारे चैनल, तो थैंक यू।